सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप जियो मार्ट पर सेलर हैं या अगर आप सोच रहे हैं जियो मार्ट पर भी सेल करना, तो आप कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को जियो मार्ट पर लिस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारे जो नए सेलर्स होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि जियो मार्ट पर आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। उसके लिए क्योंकि आपको अपना ब्रांड अप्रूवल भी लेना होता है, मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल्स भी अपलोड करवानी होती है। तो अगर आपने वो सब कर लिया है, उसके बाद आप फाइनली अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं और आपको नहीं पता कैसे करनी है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं अपनी स्क्रीन शेयर करके, और हर एक जो भी स्टेप होगा उस पर आपको मैं पर्टिकुलरली गाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, सो स्क्रीन पर मैं आने के बाद सबसे पहले आपको लेके चलता हूं कैटेगरीज में। ठीक है, यहाँ पर एड ए न्यू प्रोडक्ट्स पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है कैटेगरी। आपने जब यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पर अपने ब्रांड आपको रजिस्टर करानी है पहले। अगर नहीं कराई तो यहाँ पर आप क्लिक हियर से करा सकते हो, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट कोड देना होगा। ठीक है, आप सारा ही जो भी आपका डाटा वो पहले एक्सेल पर जो है आप पहले लिख लीजिए, जिसके करके आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट कोड लिख लिया, जो भी आपके प्रोडक्ट का SKU है वो SKU आप प्रोडक्ट कोड में यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगला आपको करना है मॉडल नंबर, तो आपका मॉडल नंबर जो भी हो अपने प्रोडक्ट का, वो मॉडल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का जो भी नाम है टाइटल वो डाल दीजिए। ये कहने के बाद में आप इसे एडिट नहीं कर सकते, अभी बिल्कुल ठीक करना। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पर HSN कोड डालना है, और HSN कोड यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, जब यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ये देखिए कैटलॉग की डिटेल्स, तो अब आपको कैटलॉग डिटेल्स यहाँ पर देनी, जो मैंडेटरी आप उसे दो, बाकी आप जो है स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो सर्चिंग कीवर्ड्स हो, उन सर्चिंग कीवर्ड्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। आपको सारा डाटा पहले एक्सेल पर ले लेना, जिसके करके आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने प्लेन वगैरह सब कुछ करने के बाद SKU अपने डाल दिया, और उसके बाद आपने सर्चिंग टैक्स डाल दिया, और यहाँ पर आपने जो है इसको सेव कर लिया। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर आपको यहाँ पर जो है डालना है। आपको पहले यहाँ पर ऐड कराना है, वो ऐड कराने के बाद टिकट रेस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या आप प्रोवाइड करने वाले हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रोसीड एंड सेव करना है, तो यहाँ पर मैं सेव और प्रोसीड कर देता हूँ, और देखिए नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर लेके आ गए हैं। अब नेक्स्ट पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑफरिंग पूछना है, तो आपने SKU डाल दिया, जो भी आपका प्रोडक्ट का आपने SKU रखा था, और यहाँ पर सर्चिंग टाइटल डाल दिया, जो आपका टाइटल है। यहाँ पर आपको कलर और साइज चार्ट बताना है कि उसका साइज क्या है और कलर कौन सा आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट SKU, आपको SKU 3-4 जगह जो है कॉपी करके पेस्ट करना होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर पेस्ट करके चेंज कर दिया इसका कलर। नेक्स्ट यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, तो मैं चाहता हूँ 5 से ज्यादा मुझे कस्टमर ना ऑर्डर करें। यहाँ पर आपने वेंडर एड्रेस ले लिया, ये सब ऐड कराना पड़ता है आपको, और यहाँ पर आपने जो है MRP और अपना ऑफर प्राइस डाल दिया। नेक्स्ट आपने ये देखिए यहाँ पर ब्रांच ऑफिस डाल दिया, SKU में फिर से आपने डाला, और आपके पास कितने पीस अवेलेबल है वो रखा, और नेक्स्ट आपने करा। ठीक है, नेक्स्ट आने के बाद कितने दिन में आप जो है शिप कर दोगे इस प्रोडक्ट्स को, और अगर आपके पास नहीं है तो कितने टाइम में अवेलेबल करा दोगे, और कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो सेव स्टॉक कर दिया मैंने, और सेव अगर आपका वेरिएशन है तो यहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो सेव प्रोसीड कर दिया आपने। तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में आपको लेंथ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब फोर्थ कैटेगरी जो है, और उसके अंदर आपको प्रोडक्ट क्या है आपका वो देखना है। तो आपका प्रोडक्ट जैसे मेरा प्लाजो है, तो मैंने प्लाजो सेलेक्ट कर लिया, और स्टाइल में भी मैंने जो है स्टाइल टाइप प्लाजो ले लिया। आपको आपकी जो इसकी वेस्ट है वो कैसी रखनी है, और जियो मार्ट पे आप क्या साइज डालेंगे, और ब्रांड साइज आपका क्या है, वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। वेस्ट आपकी जो प्रोडक्ट की कितनी है, तो वो आपने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है, सिर्फ मैं वो फिल कर रहा हूँ, बाकी आप जो है और भी डिटेल कर सकते हो। यहाँ पर कलर आपने ले लिया, ब्रांड का क्या कलर होगा, तो आपने ब्रांड का कलर भी यहाँ पर डाल दिया। नेक्स्ट इसका जो है फैब्रिक कौन सा है, तो आप फैब्रिक यहाँ पर बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या फैब्रिक है, कौन से जेंडर के लिए है वो, और वो पैटर्न इसका कौन सा है। तो पैटर्न जो है इसका यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है, और साइज ग्रुप ले लेना है। यहाँ पर आपने साइज ग्रुप ले लिया, और वॉश केयर आप किस तरीके से इसको बताएंगे, नेट क्वांटिटी इसकी यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और मैन्युफैक्चरर वाइज किस किस ने ये मैन्युफैक्चरर करा, तो मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। इसके बाद कैजुअल, और यहाँ पर देखिए एक आपको एरर दिखा रहा, तो एरर यहाँ पर डालना, कॉम्पोनेंट टाइप में क्या है, आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, एक प्लाजो।
आपने यहाँ पर करा सेव, उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्टेप है कि यहाँ पर आपको फोटोज अपलोड करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो आपने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करी और यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर 3-4 फोटो आप यहाँ पर डालिए, मिनिमम आपको 3 डालनी है और मैक्सिमम 10 आप डाल सकते हो। तो ये यहाँ पर जो है क्राइटेरिया है, आपने 3-4-5 जो भी अच्छे अच्छे फोटोज आपके पास हैं आपने शूट कराया वो आप उसे डालें और यहाँ पर शूट कराया हुआ ही चलता है। और उसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल पे आपने क्लिक करना है। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हाँ, ये वीडियो मैं 31 दिसंबर को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड इसी के लिए मैं आप लोगों को विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू।